leopard used in the vehicle. Oh my god, he's gonna jump on us. दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और जंगलों में घूमना आपको भी पसंद है तो आप अमेज़न जंगल के बारे में जानते ही होंगे। जी हाँ, वही अमेज़न का जंगल जिसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है तथा दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है इसमें। इस जंगल में आपको लगभग प्रत्येक जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे और पूरी दुनिया को लगभग 20% ऑक्सीजन इन जंगलों के द्वारा ही दिया जाता है। इसीलिए जंगल का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा सांप एनाकोंडा भी इन्हीं अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है, जिसे आप लोगों ने हॉलीवुड की कई मूवीज में देखा होगा। एनाकोंडा दुनिया में पाए जाने वाले सभी सांपों में सबसे लंबा सांप होता है, जो लगभग 30 से 40 फीट का होता है। और क्या आप जानते हैं, अमेज़न जंगल में अकेले जाना मतलब मौत को दावत देना है। अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे अमेज़न जंगल के वो खौफनाक रहस्य जो कोई नहीं जानता। ऐसे रहस्य जो आपका दिमाग हिला देंगे। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रहने वाले आदि मानव बहुत खतरनाक और जीव काफी ज्यादा जहरीले क्यों होते हैं, और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि कैसे अमेज़न जंगल में नदी का पानी उबलता रहता है, ये जंगल इतना खूबसूरत कैसे है और डरावना भी किस वजह से है, ये जगह किस प्रकार के खौफनाक रहस्यों से भरी हुई है। आइए जानते हैं अमेज़न जंगल के बारे में कुछ मनोरंजक और रहस्यमय फैक्ट। इसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। आज हम आपको इस सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर की एक ऐसी रचना से परिचित कराने जा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत और अनोखी है। दोस्तों, आपने अमेज़न जंगल के बारे में तो सुना ही होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अमेज़न वर्षावनों को अगर किसी नक्शे पर देखेंगे या गूगल करके सैटेलाइट व्यू में देखेंगे तो केवल गाढ़े हरे निशान पाएंगे। आपको पता है अमेज़न का जंगल हमारी पृथ्वी का हार्ट है, मतलब हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन इसी अमेज़न के जंगल से ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, जहां इंसान चांद पर घर बनाने की बात करता है, वो अभी भी धरती पर मौजूद रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाया। इन्हीं रहस्यों में अमेज़न जंगल भी शामिल है। हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई वहां रहने लग जाए तो फोन का सिग्नल तो छोड़िए, जरूरी दवाएं और अन्न तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न का जंगल 9 देशों में फैला हुआ है। सबसे बड़ा भाग 60% ब्राजील में, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है। अमेज़न जंगल में करीब 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये जंगल इतना हरा भरा और इतना घना है कि ये पेड़ एक दूसरे के कंधों पर लदे हुए हैं और यहाँ कभी सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इन वृक्षों ने ये जिद पकड़ी है कि सूर्य की रोशनी को धरती तक नहीं पहुंचने देंगे। यहाँ की जमीन धूप के लिए तरसती रहती है। अमेज़न के जंगल का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अमेज़न का जंगल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। अब आप समझ गए होंगे कि अमेज़न का जंगल कितना बड़ा है। रहस्य से भरे अमेज़न जंगल को देखने वाले आज भी डर जाते हैं। ये जंगल जहरीले जीवों से भरा हुआ है। इस जंगल में कदम कदम पर मौत का डरावना मंजर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के साथ साथ आदिवासी भी मरने मारने को तैयार रहते हैं। इन्हीं जंगलों में बसते हैं यानोमामी, एक आदिवासी समुदाय जिन्हें दुनिया के सभी आदिवासियों की तरह सिस्टमैटिक तरीके से हशिये पर धकेला गया। जब वे लुप्त होने लगे तो उन्हें बचाया गया। आज ये वेनेजुएला और ब्राजील की बॉर्डर पर बसते हैं। अब हम आपको बताते हैं इन आदिवासियों के अजीबोगरीब रिवाजों के बारे में। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन इनके हर समुदाय में मरने वालों को लेकर अलग रिवाज होता है। यहाँ उन्हें खाने का रिवाज है, लेकिन ऐसा सीधे तौर पर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यानोमामी मौत को नेचुरल नहीं मानते। इनका मानना है कि मौत तब आती है जब कोई दुश्मन किसी शैतानी साय को भेजकर किसी प्रिय की जान ले लेता है, तब मौत आती है। इन्हें लगता है कि जितना वक्त शरीर को मिट्टी में मिलाने में लगेगा, मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को उतने ही दिन कष्ट भोगना होगा। मरने के बाद ये लोग शरीर को पत्तियों से ढककर गांव में ही रख लेते हैं। महीने डेढ़ महीने बाद जब शरीर में केवल हड्डियां बचती हैं, तब ये उसे जलाते हैं, फिर केले का सूप बनाते हैं, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में केले खूब पैदा होते हैं। केले से ये लोग खूब सारी चीजें बनाते हैं। जली हुई हड्डियों की राख को सूप में मिक्स करते हैं और पंगत में बैठे पूरे गांव को बांटते हैं। साथ ही ये भी रिवाज है कि पूरा सूप एक बार में ही खत्म किया जाएगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समुदाय की जनसंख्या लगभग 35,000 है। इनके समुदाय को जीवित रखने के लिए कई संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। ये कितना शाही और कितना कागजी है,
ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। अमेज़न जंगल का कोना कोना प्रकृति के अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ हर तरफ अविश्वसनीय दृश्य नजर आते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल, मछलियाँ, मेंढक, सांप, पक्षी, कीड़े मकौड़े आदि सभी अपने अनोखे रंग और आकार की वजह से हमें आश्चर्यचकित करते हैं। दरअसल बचपन से ही हम लोगों ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियाँ सुन रखी थी जो हमें आश्चर्य से भर देती थी। लेकिन अब हम आपको जिस नदी के बारे में बताएंगे उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि आप उससे चाय भी बना सकते हैं। क्योंकि जानकार बताते हैं कि इस नदी की खोज पेरू में मौजूद भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। इस नदी की कहानी बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि आंद्रे रूजो ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही कई नदियों की रोचक कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन इस नदी के रहस्य ने उन्हें बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वो बड़े हुए तो भी उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अक्सर ऐसा सोचते थे कि क्या ऐसा संभव है, इसीलिए उन्होंने कई लोगों से उबलती हुई नदी के बारे में जानना चाहा, लेकिन उन्हें कहीं से कुछ पता नहीं लगा। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी ना हो। एक बार जब आंद्रे रूजो इस रहस्यमय जंगल में गए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक नदी है जिसका पानी उबल रहा है। आंद्रे रूजो के मुताबिक यहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि आप यहाँ कॉफी भी बना सकते हैं। इनका मानना है कि अगर कोई जीव या इंसान उस नदी में चला जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इस नदी का पानी 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। उनके मुताबिक ये नदी प्रकृति का कमाल है जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका है कि इसका पानी क्यों इतना गर्म है। अब आपको बताते हैं कि अगर अमेज़न जंगल खत्म हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, इस जंगल को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जंगल एक समय बाद पूरी तरह सूखा मैदान बन जाएगा। यहाँ की हरियाली खाली मैदान में बदल जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के भूगोल वैज्ञानिक रॉबर्ट वॉकर दशकों से अमेज़न का अध्ययन कर रहे हैं। 2064 में अमेज़न के जंगल समाप्त होने की भविष्यवाणी करने के लिए उन्होंने हाल ही में स्टडी की है और बताया कि कैसे जंगलों में सूखा पड़ना और आग लगने जैसी घटना और बारिश जैसे विभिन्न कारण जंगल की बर्बादी को तय करेंगे। 2020 की रिसर्च में बताया गया कि अब तक कितना जंगल कट चुका है। इसमें पाया गया कि अमेज़न में 11% भाग में कटाई हो चुकी है। अब आपको इसका नुकसान भी बताते हैं कि अमेज़न जंगल में आग लगने से हमें कितना नुकसान होगा। भले ही ये जंगल इंडिया से कई मीलों दूर है, वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड के मुताबिक अगर ये आग इतनी ज्यादा फैल गई तो पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन पैदा करने वाला यह जंगल ऑक्सीजन पैदा नहीं कर पाएगा, वहीं उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने लगेगा जिससे क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस और भी तेज हो जाएगा। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने आसपास के सभी देशों में बारिश होने के लिए भी काफी जरूरी है। और scientificamerica.com वेबसाइट ने 2012 में पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में लगातार कटाव के कारण ब्राजील के दक्षिणी इलाकों और पेरू के खेती वाले इलाकों में बारिश की काफी कमी आ जाएगी। इसका मतलब है कि इन इलाकों में सूखा पड़ना यानी कि पीने के लिए पानी की कमी हो जाएगी और खेती करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आपको उस चींटी के बारे में बताते हैं जिसका काटना एक बुलेट की गोली खाने के बराबर है। दोस्तों, चींटियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ की बुलेट आंट जैसी खतरनाक चींटी नहीं देखी होगी। ये दिखने में तो छोटी होती है, लेकिन इनका डंक जहर से कम खतरनाक नहीं होता। इनका काटना किसी गोली लगने जैसा होता है, शायद इसीलिए इसको बुलेट आंट कहा जाता है। यहाँ लोग भूल से भी इनके पास जाने की कोशिश नहीं करते और यहाँ पर ज्यादातर जीव जंतुओं की प्रजाति जहरीली होती है। अगर शिकार हुए व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है तो वो बच जाता है, वरना फिर भगवान ही उसका मालिक होता है। इतना ही नहीं, ये अपने शरीर से अपने बालों को तीर की तरह भी छोड़ सकती है। ये अगर आँख में चला जाए तो कांच की तरह उसे फोड़ देता है। अगर आप कभी अमेज़न जंगल का रहस्य जानने के लिए कभी यहाँ पर जाएं, तो सावधानी को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ जानलेवा खतरा बहुत होता है। साथ ही आपको आज के इस वीडियो में कौन से रहस्य के बारे में जानकर बहुत मजा आया, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। आज के हमारे इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी मजेदार वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।